हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। सो लास्ट मिनट प्रिपरेशन सीरीज में मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये भी ऑल्दो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के वेरियस प्रोटोकॉल्स के बारे में। मतलब यहाँ पे मैंने OSI लेयर्स की जो है सातों लेयर्स को लिखा हुआ है, और मैंने पहले भी कंप्यूटर नेटवर्क की अपनी सीरीज में बताया था कि अगर आप UGC नेट, गेट या इवन कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो सिलेबस है वो ये सात लेयर्स ही हैं। और इन सात लेयर्स में कई बार क्या होता है, थ्योरी में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और थ्योरी में क्वेश्चंस क्या आते हैं उन्हीं पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको लास्ट मिनट में करना है क्या है, बस इस वीडियो को एक बार सुन लें, हो सकता है आपको कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली वहां पे आ जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन लेयर में। यहां पे मैंने ये फर्स्ट जो है सेकंड कॉलम में ये क्या मेंशन किया हुआ है, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर मतलब लेट्स से कि अगर मैं एप्लीकेशन लेयर की बात करूं तो एप्लीकेशन लेयर में हम क्या बोलते हैं कि डेटा क्रिएट हुआ या मैसेज क्रिएट हुआ या फिर फ्रेम्स क्रिएट हुए, तो नॉमनक्लेचर यहां पे क्या है, नॉमनक्लेचर है डेटा या मैसेज। मतलब कि जो यूजर है, यूजर हमेशा कहां पे बात करेगा, यूजर हमेशा एप्लीकेशन लेयर को यूज करता है। कैसे यूज करता है, बाय यूजिंग मोबाइल फोन, बाय यूजिंग डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, कोई भी डिवाइस है, उस डिवाइस को डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर तो देखेगा नहीं, वो तो यूज करे एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है, आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट इसकी कोडिंग है। तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब है यूजर क्या क्रिएट कर रहा है, डेटा, उसको आप डेटा भी बोल सकते हो या उसको आप मैसेज भी बोल सकते हो। और यही अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन लेयर की, तो प्रेजेंटेशन लेयर में भी कोई खास नहीं है, हम डेटा और मैसेज ही बोलते हैं। सेशन लेयर में भी हम नॉमनक्लेचर जो यूज करते हैं वो डेटा या मैसेज। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या यूज करते हैं, सेगमेंट। यहां से जो है मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, हम बात करते हैं सेगमेंट की। मतलब ऊपर से जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है कॉन्टिग्यूस। कॉन्टिग्यूस का मतलब है लगातार डेटा आ रहा है, और एनी साइज डेटा, मतलब उस डेटा का कोई भी साइज नहीं है, आप या ये भी कह सकते हो कि लिमिटलेस डेटा आ रहा है। तो वो लिमिटलेस डेटा जो आ रहा है वो यहां पे आके क्या होगा, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। उसके बाद वो डेटा किसके पास आता है, नेटवर्क लेयर के पास आता है, और नेटवर्क लेयर उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पैकेट्स में, या डेटाग्राम्स भी बोलते हैं। डेटाग्राम सर्विस हम यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर, क्योंकि हम IP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं नॉमनक्लेचर, डेटाग्राम्स या पैकेट्स। देन डेटा लिंक लेयर की अगर हम बात करें तो यहां पे हम यूज करते हैं वर्ड फ्रेम, कि फ्रेम्स में डेटा को डिवाइड कर दिया या कन्वर्ट कर दिया। और फाइनली फिजिकल लेयर में हम यूज करते हैं किसको, बिट्स को। ऑल्दो कई बार डेटा लिंक लेयर पे भी हम बिट्स या कई बार बाइट भी बोल देते हैं, लेकिन जो मेजर वर्ड है वो है फ्रेम। और डेटा फिजिकल लेयर में हम यूज करते हैं बिट्स, क्योंकि बिट्स के बाद डेटा जो है वो डिजिटल या एनालॉग सिग्नल में, मतलब या तो वो डिजिटल में या वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होके हम ट्रांसमिट उसको कर देते हैं। सो दिस इज हाउ द नॉमनक्लेचर वर्क। तो इसमें अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं कि क्या पैकेट एनकैप्सुलेट होता है सेगमेंट में, या सेगमेंट एनकैप्सुलेट होता है पैकेट में, तो ध्यान रखना आप, सेगमेंट ऊपर की टर्म है, सेगमेंट नीचे जाके पैकेट के अंदर चला जाएगा और फिर एक हेडर उसमें ऐड होगा। तो सेगमेंट जो है वो एनकैप्सुलेट होगा किसके अंदर, हेडर लगने के बाद, इसको हम बोलेंगे क्या, एक पैकेट। सो सेगमेंट किसके अंदर चला जाता है, पैकेट के अंदर चला जाता है। सो यू कैन से पैकेट एनकैप्सुलेट द सेगमेंट्स। सो दिस इज व्हाट द दिस इज जस्ट अ थ्योरी पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट जो है कई बार एक एक नंबर में थ्योरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिवाइसेस की, यहाँ पे मैंने डिवाइसेस के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी लेयर्स में हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर पे बात करें, यहाँ पे हम यूज करते हैं फायरवॉल्स, फायरवॉल्स भी बोलते हो, या इसको प्रॉक्सी फायरवॉल्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, गेटवेज, पीसी एंड फोन्स, क्योंकि यूजर यहाँ पे बैठा है। और हमेशा ये तीनों लेयर की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, क्योंकि जब बाद में OSI लेयर को नेक्स्ट जो मॉडल आया वो था TCP/IP मॉडल ने इस तीनों लेयर को एक ही कंबाइन कर दिया था। तो यहाँ पे मैं इनका कंबाइंड ही बता रहा हूँ, तभी तीनों में यहाँ पे फायरवॉल या गेटवे यहाँ पे लिखा हुआ है। इवन ट्रांसपोर्ट लेयर में भी फायरवॉल और गेटवे लिखा हुआ है। तो गेटवे एक्चुअल में क्या है, नाम से पता लग रहा है गेट,
मतलब आपकी जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि उस गेट के बाद क्या है बाकी की दुनिया, मतलब यहाँ पे आपका अगर पूरा का पूरा नेटवर्क है तो यहाँ पे जो गेट है उसके बाद क्या है पूरा WWW। तो ये जो इस पॉइंट है उसको हम बोलते हैं गेट या मेन गेट। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का मेन गेट है वही होता है क्या गेटवे, और वहां पे हम क्या लगाते हैं फायरवॉल्स। फायरवॉल्स जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में हम बोलते हैं उसको Level 4, Level 5 प्रॉक्सी फायरवॉल्स। अलग अलग इनकी कैपेबिलिटीज है, कोई सिर्फ आईपी एड्रेसेस को स्टॉप करता है, कोई पोर्ट नंबर्स को भी स्टॉप कर सकता है, या फिर प्रॉक्सी फायरवॉल्स है जो अंदर डेटा को भी चेक करते हैं, जिसमें हम पासवर्ड्स जो है वो भी चेक करवा सकते हैं। तो ये अलग अलग लेवल्स के फायरवॉल्स हम यूज करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर। हाँ, नेटवर्क लेयर के जो डिवाइसेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन है यहाँ पे राउटर। राउटर ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर बिल्ड है, राउटर्स के ऊपर बिल्ड है। यहाँ पे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन, राउटिंग एल्गोरिदम्स, इवन आपका जो आईपी V4 या IPv6 हम प्रोटोकॉल की बात करें, वो उसके अंदर हम जनरली जो हार्डवेयर यूज करते हैं वो है राउटर। एंड राउटर इज अ वेरी पावरफुल डिवाइस। राउटर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे मैंने उसकी पूरी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है बी राउटर। बी राउटर हम बोलते हैं ब्रिज विद राउटर, मतलब इसमें ब्रिज की कैपेबिलिटी भी है और राउटर की कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि जो ब्रिज है, ब्रिज काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। ब्रिज जो है वो मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है, राउटर आईपी एड्रेस के ऊपर काम करता है। तो बी राउटर एक स्पेशल हार्डवेयर है जो दोनों की फंक्शनैलिटी पे काम कर सकता है। या फिर थ्री लेयर स्विच। थ्री लेयर का मतलब है जिसमें डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों लेयर हो, उसको हम बोलते हैं थ्री लेयर। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो इसमें जो मेन डिवाइस है वो है ब्रिज, ब्रिजेस। तो दो डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करने के लिए या जो भी इसकी फंक्शनैलिटीज है, अगेन मैं इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेजर डिवाइसेस की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आपको वहां पे सारी फंक्शनैलिटी पता लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको नेम याद रखने हैं। तो एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप फटाफट उसको टिक कर सकते हैं। टू लेयर स्विच, क्योंकि इसमें दो ही लेयर काम करेंगे, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है। NIC कार्ड्स, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे डिवाइसेस में क्या होते हैं, NIC कार्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, जहां पे हमारा फिजिकल एड्रेस जो 48 बिट का फिजिकल एड्रेस होता है वो यहां पे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर का बेसिक पर्पस क्या है, डेटा को ट्रांसमिट करना। मतलब ऊपर लेयर से सारा डेटा आ चुका है, उसको पूरा हेडर वेडर लगा दिए, अब सिंपली उसको ट्रांसमिट करना है एनालॉग में या डिजिटल सिग्नल में। तो वहां पे हम यूज करते हैं केबल्स को, हब्स को, रिपीटर्स को, फाइबर्स, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट केबल्स, कोएक्सियल केबल है या इवर फाइबर चैनल्स हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स और ट्रांसमिशन मोड्स हम यूज करते हैं। तो मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, इनकी फंक्शनैलिटीज की, क्या इनकी कैपेबिलिटीज है, क्या ये कर सकते हैं, क्या ये नहीं कर सकते, तो अब वो वीडियो जो है वो डिटेल के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट द नेम्स ऑफ द डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटोकॉल्स के बारे में, मेजर प्रोटोकॉल्स, क्योंकि हर एक लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो सारे प्रोटोकॉल्स के नेम आप याद नहीं रख सकते, इवन करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मेजर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स जो मेन है वो है DNS, डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर को हम यूज क्यों करते हैं, बहुत ही मेजरली यूज प्रोटोकॉल है। करते क्या है, हम नेम्स को याद रखते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, लेकिन उनका आईपी एड्रेस क्या है वो हमें नहीं पता। तो DNS के थ्रू हम आईपी एड्रेसेस पता करवाते हैं, हम सिर्फ नेम यूज करते हैं, DNS उनका आईपी एड्रेस उठाता है। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जितना का आपका पूरा का पूरा वेब पेजेस, आप डेली बेसिस पे गूगल में क्या एक्सेस करते हो, वेब पेजेस, तो वो वेब पेजेस जो है किस प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। FTP फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, रिमोट एरियाज में रिमोट सर्वर पे फाइल्स को भेजना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं FTP। DHCP डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हम यूज करते हैं आईपी एड्रेसेस लेने के लिए। मतलब मेरे मशीन में अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो जैसे ही हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो DHCP प्रोटोकॉल का हम यूज कर सकते हैं टू गेट अवर आईपी एड्रेस। ऑल्दो ये अब यूज नहीं करना, ऑटोमेटिकली हमारे पास आईपी एड्रेस जो है नेटवर्क से कनेक्ट होते ही मिल जाता है। टेलनेट हम यूज करते हैं रिमोट सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पे SMTP को हम यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम है मेलिंग में
ये ऑल्दो अब हम जीमेल याहू मेल यूज करते हैं, लेकिन उनके बैकएंड पे काम कौन करता है? एसएमटीपी और पीओपी। पीओपी क्या है? पोस्ट ऑफिस। एसएमटीपी मेल को पुश करने के लिए होता है और पीओपी मेल को पॉप आउट करने के लिए होता है। देन प्रेजेंटेशन लेयर में हम यूज करते हैं MIME प्रोटोकॉल, जिसका नाम है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मेल के लिए हमारे पास है SMTP, लेकिन मेल के थ्रू आज के टाइम पे हम क्या भेज रहे हैं? हम ऑडियो भी भेज सकते हैं, हम वीडियो भेज सकते हैं, हम टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं, तो MIME प्रोटोकॉल उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा है SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, इवन TSL भी है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर का काम जो है वो क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब मेरी मशीन से जब दूसरी मशीन में डेटा जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी का जो फंडा है वो यूज करता है SSL लेयर के थ्रू। देन सेशन लेयर में हम यूज करते हैं PAP प्रोटोकॉल। PAP क्या है? पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पासवर्ड्स को चेक करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए, क्या ये वैलिड यूजर है या नहीं, उसके लिए हम PAP या RPC रिमोट प्रोसीजर। रिमोट प्रोसीजर कॉल अगेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम यूज करते हैं कि एक क्लाइंट किसी सर्वर को एक्सेस कर रहा है, उसके लिए हम RPCs को यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू प्रोटोकॉल्स। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है वो है ये TCP UDP। TCP UDP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है, यूजर डेटाग्राम। SCTP आप गेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कैसे काम करता है, स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल है, लेकिन आपको बस नेम पता होना चाहिए। ये दो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं। देन नेटवर्क लेयर पे हम बात करें तो IP प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जिसमें अभी तक फिलहाल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ज्यादा 95% या 95 और 96% क्वेश्चन जो है वो IP4 के ऊपर ही आ रहे हैं, वर्जन 4 के ऊपर, जहां पे IP एड्रेस 32 बिट का है। ऑल्दो हम भी इंडिया में अभी फिलहाल यही यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ IPv6 भी यूज होने लग गया है। जियो में अगर आप चेक करो चेक माई IP, तो आपको 128 बिट का भी IP एड्रेस दिख सकता है, वो क्या है? IPv6। लेकिन इसका बस आपको बेसिक हेडर तक पता होना चाहिए कि हेडर क्या होता है, कितना साइज है, लेकिन IPv4 में राउटिंग कैसे होती है, आपकी पूरी की पूरी एड्रेसिंग कैसे होती है, क्लास फुल क्लासलेस, वो सब पता होना चाहिए, सबनेटिंग पता होनी चाहिए। देन ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो एरर्स वगैरह एरर मैसेजेस को सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब मैं यहां से मैसेज भेज रहा हूं, रास्ते में राउटर राउटर अगर पूरा भर गया, राउटर कोई एरर मैसेज भेजना चाहता है, या फिर अगर सोर्स कोई मैसेज भेजना चाहता है, डेस्टिनेशन को कोई मैसेज भेजना चाहता है, तो एरर्स वगैरह के लिए हम यूज करते हैं ICMP। और इंटरनेट ग्रुप मैसेजेस प्रोटोकॉल मल्टीकास्टिंग के लिए, मतलब एक पूरे ग्रुप को मैसेज अगर भेजना है, उसके लिए हम यूज करते हैं ICMP, IGMP एंड ICMP। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ARP एंड RARP। ARP प्रोटोकॉल है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये कई जगह आपको डेटा लिंक लेयर में भी लिखा हुआ मिलेगा, नेटवर्क में, एक्चुअल में है इन दोनों के बीच में। ARP का काम क्या है? एड्रेस को रिजोल्यूशन करना, मतलब मेरे पास IP एड्रेस है, लेकिन मुझे MAC एड्रेस पता लगाना है, तो मैं चेक माई IP एड्रेस, मैंने चेक किया और मेरे को IP एड्रेस मिल गया, लेकिन मुझे MAC एड्रेस अगर किसी का पता लगाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं ARP। ऐसी RARP रिवर्स ARP है, मतलब हमें MAC एड्रेस पता, हमने IP एड्रेस पता लगाना, लेकिन ये मेजर प्रोटोकॉल है, दैट इज ARP। उसके बाद आते हैं डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर में 802.3 CSMA/CD जो है प्रोटोकॉल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इथरनेट। इथरनेट प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में से। इसका काम कैसे करता है ये पूरा का पूरा, इसका फ्रेम फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ 802.5 जिसको हम बोलते हैं टोकन रिंग। तो टोकन रिंग और इथरनेट दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, एक है जैसे HDLC प्रोटोकॉल है, HDF मतलब हाई डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, बिट बाय बिट काउंट करता है, जैसे TCP काउंट करता है हर बाइट को, ये हर बिट को काउंट करता है, लेकिन आपको इसके मतलब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज मोर देन इनफ। जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको करके जाना अच्छे से। देन फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर में कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं है। 802.3 आपका फिजिकल लेयर पे भी काम कर रहा है, और यहाँ पे मैंने एक और लिखा हुआ 802.11, ये है वाईफाई। मतलब आज के टाइम पे हम
वायर्ड इथरनेट या वायर्ड कनेक्शन की बजाय हम वाईफाई को यूज करते हैं। हमारे घरों में, ऑफिसेज में वाईफाई लगे हुए हैं, वाई मैक्सिस लगे हुए हैं, हम क्या करते हैं सिंपली अपना डिवाइस जो है वो वाईफाई डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं। तो वहां पे जो प्रोटोकॉल चलता है वो है 802.11। तो ये जो है मेजर प्रोटोकॉल्स या डिवाइसेस या फिर नोमेनक्लेचर। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर हम यूज करते हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए। एंड टू एंड मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक जाना है। नेटवर्क लेयर हम यूज करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन या फिर मशीन टू मशीन, सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन के लिए। और डेटा लिंक लेयर हम यूज करते हैं नोड टू नोड। नोड टू नोड मतलब कि मेरी मशीन से नेक्स्ट मशीन कौन सी है उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। तो ये जो है मेजर नोमेनक्लेचर या सारा जो है आपको सिर्फ इसीलिए मैं लेके आ रहा हूं ताकि आपको लास्ट मोमेंट में पता लग जाए, रिफ्रेश हो जाए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या क्या है, क्या क्या नेम्स होते हैं और जो मैंने हाईलाइट किया उसको डिटेल में पढ़ के जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस। थैंक यू।